बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज अभी इस वक्त में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक की रेसिपी। तो बहुत ही सिंपल सी झटपट बनने वाली रेसिपी है, वीडियो होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही छोटी सी वीडियो बना आपके सामने लेके आई हूँ, तो ताकि आप लोग जो हैं बोर ना हो। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट के बगैर हम लोग चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने ले ली हैं स्ट्रॉबेरीज़, ठीक है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ये ली हैं 1 पाव। तो इनको आपने इस तरीके से, ये जो इस ग्रीन वाली है ये उतार लेना है, ठीक है, पत्ते जो हैं, और इसको इस तरीके से मिड में से कट कर लेना है। अच्छा, सीजनल स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, तो आपने ये लेनी है। और गज़ाइयत से भरपूर होती हैं, विटामिन सी होता है इनके अंदर और बहुत ही फ़ायदे हैं इसके, तो आपने इसको ज़रूर जो है शेक को ट्राई करना है और इसको बनाना है और ख़ुद भी पीना है और बच्चों को भी देना है। तो ये जी मैंने स्ट्रॉबेरीज इस तरीके से काट ली थी और अब मैं डाल रही हूँ इसको जग के अंदर, और इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश मिल्क। तो मैंने 1 पाव स्ट्रॉबेरीज ली थी, तो इसमें मैं 2 ग्लास पानी के डाल रही हूँ। तो वैसे तो अभी मौसम ठंडा नहीं है, तो इस वजह से मैं बर्फ़ ऐड नहीं कर रही। तो चीनी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो अगर तो आप बर्फ़ पसंद करते हैं, ठंडा पसंद करते हैं, तो बेशक डाल लीजिए, मैंने नहीं डाली। और इस तरीके से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी जस्ट 1 से 1.5 मिनट के लिए। और इस शेक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो कभी मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊँगी, अभी तो जस्ट मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस तरीके से स्ट्रॉबेरी शेक बनाती हूँ, बहुत ही ईजी वे है ये। तो आजकल जो स्ट्रॉबेरीज हैं भी वो बहुत ज़्यादा मीठी, बहुत ज़्यादा ये तुर्श नहीं होती है आजकल के इस मौसम में, और हैं भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल, सस्ती हैं, महंगी नहीं हैं। तो आप जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका शेक ज़रूर बनाया करें, बच्चों को दिया करें। तो इस तरीके से ही मैंने इसको ग्लास के अंदर डाल लिया है। और अगर आप तो बच्चों को दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये साइड पे आप स्ट्रॉबेरी काट के लगा लें, अपने जो स्ट्रॉ है उसको थोड़ा सा फैंसी बना लें, तो बच्चे अगर ना भी पीते होंगे तो बहुत ज़्यादा शौक से पियेंगे। तो इस तरीके से मैंने जस्ट सिंपल सा स्ट्रॉ डाल दिया था और ये बच्चों ने बहुत शौक़ से पिया, और ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी ये पसंद आता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझे बताएं कि आपका ये शेक किस तरह का बना। नेक्स्ट मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त सा और आइसक्रीम शेक भी शेयर करूँगी। तो अभी जस्ट ये सिंपल सा शेक शेयर कर रही हूँ, आप इसको बनाए मुझे ज़रूर बताएँ कैसा बना।